चर्च रोड पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों के हड़ताल पर बैठे 17वें दिन अहिवारा विधायक ने दिया अपना समर्थन, कहा केंद्र तक पहुंचाएंगे इनकी मांगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के 17वें दिन बुधवार को अहिवारा विधायक सांवलाराम डहरे धरना स्थल पहुंचे और मनरेगा कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर अहिवारा के पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे ने कहा कि मनरेगा कर्मचारियों की मांग पूरी तरह जायज है, जिसे पूर्ण करने का वादा प्रदेश की भूपेश सरकार ने अपने चुनावी वायदे में किया था और अब प्रदेश सरकार को अपने वादे पूर्ण करते हुए मनरेगा कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि इनकी जायज मांगों को लेकर इनकी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में मनरेगा कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा नाम राकेश कुमार तोसी, मैं पश्चिम प्रदेश मनरेगा मजदूर कल्याण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इनकी जो मांगे हैं कांग सरकार की घोषणा पत्र के अनुसार से नियमितीकरण का और दो सूत्री मांगों को लेकर के इन लोग 17 दिनों से हटे हुए हैं। और इससे क्या है कि राज्य सरकार जो इनकी जो मांगों को कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहा है, जिसके कारण से ये वास्तविकता जो काम करते हैं उनके अनुसार से इनको मजदूरी भी नहीं मिल पाता। दूसरी बात है कि इनकी जो नियमितीकरण जो दो सूत्रों की मांगे हैं इनकी घोषणा पत्र में जारी है, तो इनकी मांगों को बिल्कुल इनको अपनी मांगों को इनकी मांगों को संज्ञान में लेकर के पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ आज 17 दिन से प्रदेश के पूरे मनरेगा मजदूर काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इनको भी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मजदूर किस हाल में जी रहे हैं। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सरकार को तत्काल करना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। मैं कर्मचारी संघ के जो अभी धरना प्रदर्शन जिला दुर्ग में जो हो रहे हैं, मैं उनको समर्थन देने के लिए आया हूं और हम लोग इनकी जो घोषणा पत्र में जो सरकार जारी किए गए नियमितीकरण से लेकर के जो दो सूत्री मांगों को और इनकी पहल के लिए हम लोग राज्य सरकार को भी पत्र प्रेषित करेंगे और केंद्र सरकार को भी पत्र प्रेषित करेंगे और तत्काल इनकी समस्याओं को निदान के बारे में भी हम लोग तत्काल राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपेंगे ताकि इनकी मांग पूरा हो सके। मनरेगा के जितने भी कर्मचारी पूरे प्रदेश स्तर पर लगभग 15,000 कर्मचारी विगत 17 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और उनकी मांगे पूर्णतः जायज हैं। ये उन्हीं मांग को पूर्ण करने के लिए सरकार की गुहार लगा रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। जिन मांगों को पूर्ण करने का कांग्रेस सरकार ने आश्वासन दिया था और अपने घोषणा पत्र में भी जिक्र किया था कि यदि कांग्रेस की सरकार हमारी बनती है तो मनरेगा के से संबंधित जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो फोर्थ क्लास तक के भी कर्मचारी काम करते हैं, उन सभी लोगों के मांगों को पूर्ण किया जाएगा, उनको नियमित कर दिया करण किया जाएगा और उनका पे ग्रेडिंग भी कर दिया जाएगा। ये सरकार ने उनको आश्वासन दिया था और अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा था। आज उन्हीं मांगों को लेकर के विगत 17 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अहिवारा के होने के नाते आज इस धरना प्रदर्शन के समर्थन पर यहाँ पर मैं आया हूँ। जैसा कि ये सारे लोग केंद्र से संचालित होते हैं, तो आप क्या इनकी बातें केंद्र तक पहुँचाएंगे? दरअसल में राज्य सरकार इन लोगों की नियोक्ता है, राज्य सरकार इन लोगों की नियुक्ति देती है और जो नियोक्ता होते हैं वही उनके नियमितीकरण के लिए पहल भी करता है। इन लोगों की एक हल्की सी मांग है कि यदि यही बात है तो आप हमारे नियमितीकरण की एक अनुशंसा कर दीजिए। भूपेश की सरकार नियमितीकरण की अनुशंसा करने की भी कोताही कर रही है और इनके साथ में धोखाधड़ी कर रही है, छलावा कर रही है, पूर्णतः वादा खिलाफी है ये सरकार। और इस सरकार के विरोध में जा करके इन लोगों को धरने प्रदर्शन में बैठने के लिए विवश होना पड़ा है। इनकी बातें केंद्र तक अवश्य जाना चाहिए और पहुंचाएंगे भी।
फिलहाल तो जो प्रदेश की सरकार है उस सरकार को चाहिए कि मनरेगा कर्मचारियों के साथ में क्या उन्होंने घोषणा किया था उस घोषणा को वो पूरा करे। इन लोगों को छोटी सी मांग है, कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, उन मांगों को आसानी के साथ किया जा सकता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों के मांगों को और इस धरना प्रदर्शन को प्रदेश की सरकार क्यों अनदेखा कर रही है, क्यों इनके साथ में दुमुहिया व्यवहार कर रही है, ये समझ के परे है। बिल्कुल प्रदेश सरकार इन लोगों को नियुक्त किया है और प्रदेश सरकार का दायित्व है कि इन लोगों की वेतन को, इन लोगों की नियमितीकरण को लेकर। ग्रैनी सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।